बिहार शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में लगातार हो रहे डीले का जो मुख्य वजह है वह सामने आता हुआ। शिक्षा विभाग का स्पष्ट रूप से कहना है कि जैसे ही 31 दिसंबर के बाद प्रमुख का चुनाव या उप मुखिया का चुनाव सभी समाप्त हो जाते हैं तो उसके बाद बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाएगी और थर्ड राउंड काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसको शुरू की जाएगी, यानी पंचायत प्रतिनिधियों की शपथ के बाद ही होगा शिक्षकों का नियोजन। और आज की ताज़ा खबर अगर मैं बता दूं तो जल्द ही नियुक्त हो पाएंगे सभी। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी के बहकावे में न आए, 31 दिसंबर के बाद पहले जो है प्राथमिक विद्यालयों का जो 94,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही उनको सबसे पहले काउंसलिंग का डेट देकर और अंतिम जो थर्ड राउंड काउंसलिंग उसको पूरा करके लोगों को नियुक्ति पत्र दी जाएगी। और माध्यमिक का जहां तक सवाल है उच्चतर माध्यमिक का तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है और उसके बाद उसका भी काउंसलिंग करा लिया जाएगा। तो ये था आज की ताज़ा खबर। अब हो जाओ तैयार, यानी जनवरी में ही आप लोगों का काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।